रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस की टीम का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से था। दोनों ही टीमों ने पिछले कुछ मुकाबलों से शानदार प्रदर्शन कर अपनी लय को पकड़ने में कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन ये मुकाबला भी दोनों के बीच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। आखिर कौन है दोनों में बेस्ट, इसका सबूत यहां पर दिखने वाला था। मुंबई इंडियंस की टीम ने खतरनाक शुरुआत करके पहाड़ समान लक्ष्य रख दिया सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, लेकिन जवाब में शुरुआत तो हैदराबाद की खराब रही, लेकिन मुकाबले में रोमांच भरपूर रहा। हैदराबाद के स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम की पहले बल्लेबाजी थी। रोहित ईशान किशन की शुरुआत मुंबई इंडियंस के फैंस को नई खुशखबरी दे रही थी। दोनों तरफ से चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी। रोहित भी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते दिख रहे थे, लेकिन 18 गेंदों में 28 रन बनाकर रोहित आउट हो गए। उसके बाद कैमरन ग्रीन और ईशान किशन ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते रहे। उसके बाद 31 गेंदों में 38 रन बनाकर ईशान किशन दूसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। लेकिन आपको बता दें कैमरन ग्रीन यहां पर अंत तक नाबाद रहे। सूर्य कुमार यादव नहीं चले, लेकिन तिलक वर्मा ने उनका भरपूर साथ दिया। सिर्फ 17 गेंदों में 37 रन ठोक गए तो वहीं टिम डेविड भी 11 गेंदों में नाबाद 16 रन बना गए और कैमरन ग्रीन 40 गेंदों में नाबाद 64 रन बना गए, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम 192 रनों तक पहुंच गई थी। लक्ष्य तो बड़ा था, अब जरूरत थी गेंदबाजी में कुछ कर दिखाने की। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार शुरुआत दिलाई और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। अगले ही ओवर में बैंड ऑफ हैरी ब्रूक को सिर्फ 9 रन के स्कोर पर ही खा गए और बल्लेबाजी पर आए राहुल त्रिपाठी भी इस मुकाबले में 7 रन से ज्यादा चाहकर भी नहीं बना पाए। सिर्फ 25 के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे और उसके बाद मोर्चे को संभाला मयंक अग्रवाल और एडन ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हुए टीम को दबाव से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई। 6 ओवर में 42 रन टीम का स्कोर पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में काफी ज्यादा पीछे होती हुई नजर आ रही थी। वजह थी कि कप्तान एडन मार्करम सिर्फ 22 रन बनाकर ऋतिक शौकीन को अपना कैच दे बैठे और उसके बाद सनराइजर्स की कमर जब टूट गई जब अभिषेक शर्मा 1 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए। 72 के स्कोर पर गिर चुके थे 4 विकेट। अब सारी जिम्मेदारी मयंक अग्रवाल और क्लासेन के कंधों पर आ गई थी। दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी कर एक से एक बढ़कर शॉट लगाए और टीम को दबाव से निकाला। 100 का आंकड़ा टीम पार कर चुकी थी और उसके बाद अंतिम चरण में मैच जा रहा था। 13 ओवर के बाद 106 रन टीम के हो चुके थे। मयंक अग्रवाल अर्धशतक के नजदीक थे। अंतिम 7 ओवर में जीत के लिए 87 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद क्लासेन ने बड़ा ही जोरदार खेल दिखाया और पीयूष चावला को अपना शिकार बनाया। पीयूष चावला के एक ही ओवर में क्लासेन ने 21 रन ठोक दिए, लेकिन क्लासेन इस बीच 16 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। बस मुकाबला यहां से पूरी तरह से पलट चुका था। मयंक अग्रवाल भी अगले ओवर में 41 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए और लगभग कमर टूट चुकी थी। अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए लगभग 60 रनों की जरूरत थी। अब्दुल समद और मार्को यानसन क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। मुकाबला रोमांचक था, अंतिम चरण में भी पहुंच गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने काफी कोशिश की, लेकिन रोहित की कप्तानी के आगे छोटे साबित हो गए और आखिरकार अंत में इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस की टीम ने जीतकर इतिहास ही रच दिया। वैसे आप सभी रोहित की कप्तानी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।